हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन, ये पैटर्न देखिए आप, कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है ना। बनाने में भी इतना ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। आप इस डिज़ाइन को शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। फर्स्ट रो से ही आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये जिग जैग शेप ले लेगा, आप इसे बॉर्डर के साथ बनाओगे तो इस तरह से कुछ लुक बनकर आएगी इसकी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसके लिए हमने जो फंदे लेने हैं वो 16 के मल्टीपल से 16 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, फ्रॉक में, नीचे नीचे इसकी झालर बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनेगी, बहुत सुंदर, एकदम लाजवाब। इसे शाल में भी डाल सकते हैं, स्टॉल में भी डाल सकते हैं, हर एक चीज़ में बढ़िया ही बन कर आएगा। तो यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं 16 फंदे एक और 3 फंदे एक्स्ट्रा, 19 फंदे लिए हैं सिलाई में। एक पैटर्न आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदे को उतारना है। ये एस स्टिच का फंदा है हमारा। अब यहाँ से डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब ये 1 ये 2 ये 3 तीन का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, इस तरह से 3 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ। अब फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर फिर से हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे। देखिए ये जाली हो गई, ठीक है। अब इस एक फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 16 फंदों का डिज़ाइन है। पूरी सिलाई में इन्हीं फंदों को बार बार आपने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 6 फंदे सीधे, फिर उल्टा बनाते हुए यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 6 फंदे सीधे, फिर से जाली डालेंगे। अब फिर से आप जब इस डिज़ाइन को देखिए रिपीट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, जाली भी डालनी है आपने, यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। एक फंदा सीधा बनेगा, फिर जाली डालेगी, फिर 6 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए आपने पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सारे बना लेने हैं। लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखना है क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है और इन दोनों फंदों को सीधा बना देंगे इस तरह से। तो ऐसे करते हुए डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमारी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बनानी है हमने उल्टी तरफ से, जिसे पूरा हमने उल्टा बना लेना है। इस फर्स्ट फंदे को पहले हम उतार देंगे और ये पूरी रो इस तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। डिज़ाइन की थर्ड रो सीधी तरफ से, ये थर्ड रो भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी। देखिए फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से यहाँ पर हमने 3 का 1 कर लेना है इस तरह से उल्टा बनाते हुए। 3 फंदों को एक साथ बना देंगे इस तरह से, 3 का 1 हो गया, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए आपने डिज़ाइन की पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये धागा अपनी तरफ कर लेना है क्योंकि यहाँ पर फिर से जाली बनेगी। फर्स्ट रो की तरह ये पूरी रो बनाने के बाद लास्ट में ये 2 फंदे हैं हमारे, तो इन दोनों फंदों को जाली भी डालनी है और सीधा भी बना लेना है इस तरह से। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से बनाएंगे, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे और ये पूरी रो इस तरह से हमने उल्टी उल्टी बनानी है।
पूरी रो उल्टी। फ्रेंड्स, आप मेरा ये वाला चैनल देखते हो, ऐसे ही मेरा ब्लॉग चैनल है मिसी दुग्गल के नाम से। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी वीडियो का। प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी मेरी वीडियो, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए इस तरह से उल्टी रो बना ली हमने। अब डिज़ाइन की पांचवी रो। पांचवी रो भी हमारी फर्स्ट और थर्ड रो की तरह आएगी। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये देखिए जाली डाली और ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को तीन का एक कर देंगे इस तरह से। तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में यहाँ पर जाली डालेंगे और ये दो फंदे सीधे। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट रो बनाकर दिखाई थी ना, आपने फर्स्ट रो की तरह ही थर्ड और फिफ्थ रो बना लेनी है। सेम फंदों पर फंदे बनेंगे। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने क्या करना है, ये पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है और ये पूरी रो इसी तरह से उल्टी उल्टी बनकर आएगी। सिक्स रो कंप्लीट करने के बाद अब सेवन रो सीधी तरफ से। आपने इस फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ किया, अब ये पूरी रो हमने इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लेनी है। आपने सभी फंदों को सेम टू सेम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेना है इस पूरी रो को। और ये लास्ट का फंदा सीधा बना देंगे। ये रो कंप्लीट करने के बाद अब करेंगे उल्टी तरफ से आठवीं रो बनाएंगे। इसे भी हमने उल्टा उल्टा ही बना लेना है, पूरी रो को सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारी नाइन्थ रो है, तो नाइन्थ रो में देखिए क्या करना है, इस फर्स्ट फंदे को उतारना है, ठीक है, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब यहाँ पर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इन दो फंदों को इस तरह से उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे लेफ्ट निडल में इस तरह से, ठीक है। धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई और ये दो का एक कर दिया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दो फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे लेफ्ट निडल में, धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर बल डल गया। जैसे एक फंदा कम हुआ, ये एक फंदा साथ के साथ बढ़ गया और ये जाली आ गई हमारी, ठीक है, दो का एक कर दिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दो फंदों को इस तरह से उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे लेफ्ट निडल में, धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे, जाली भी डाल दी और दो का एक हो गया। अब धागा अपनी तरफ करना है, यहाँ पर हमने ऐसे उल्टा जैसे जाली डालते हैं इस तरह से ऐसे बल देंगे और ये एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को तीन का एक कर देंगे। तीन का एक करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ ही रखना है, इन दो फंदों को उतारना है, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, दो का एक करेंगे और जाली डल गई है हमारी। फिर से धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को उतारा, वापस लिया से लेफ्ट निडल में, जाली भी डाल दी और दो का एक कर दिया। धागा अपनी तरफ, फिर से इन दो फंदों को उतारा, वापस लिया लेफ्ट निडल में, धागा अपनी तरफ ऐसे करते हुए बनाएंगे, ये जाली भी डल गई और ये दो का एक भी हो गया। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर हमने जाली डाल दी है।
तो फ्रेंड्स इस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन बना है इन्हीं 16 फंदों को अपने पूरी सिलाई में बार बार दोहराते जाना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, दो कए करेंगे, जाली डालेंगे, दो कए करेंगे, जाली डालेंगे, दो कए करेंगे। ये 3 बार करने के बाद फिर उल्टा जैसे बुनते हैं उस तरह से सिलाई पर धागा घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ भी जाली डालनी है, 3 कए करना है। फिर से जाली डालेंगे, दो का एक जाली डाली, दो का एक जाली डाली, दो का एक फिर से जाली डालेंगे। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं जिन्हें सीधा बना देना है आपने। सेम इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू आपने आगे आगे बनाते जाना है पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं। अब रो 10th 10वीं सिलाई है, उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारना है और ये पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है। जाली वाले फंदों को भी सेम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। रो 11 सीधी तरफ से, रो 11 में इस फर्स्ट फंदे को उतार कर धागा अपनी तरफ करते हुए ये पूरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये सिलाई पूरी 11वीं सिलाई उल्टी बनाने के बाद अब 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से भी हमने पूरी उल्टी बनानी है। ये 12 सिलाइयों का ही हमारा डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से 12 सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद अब आपने इसे क्या करना है, दोबारा से फर्स्ट रो से दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। इसे फर्स्ट रो से जैसे मैंने इसे आपको बॉर्डर के साथ बनाकर दिखाया है, लेकिन आप इसे बिना बॉर्डर में भी बना सकते हैं, तो भी ये देखिए इतना ही सुंदर डिज़ाइन लगेगा। आगे आगे आप इसे बनाते जाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका बनकर आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।